हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत ज़िम्मेदारी से मैं आप लोगों को लेसन देता हूं और आप उसी अंदाज में पढ़ते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। मैं फिर आपको एक नया लेसन देने जा रहा हूँ। बुक का नाम है कुमार भारती, 9th स्टैंडर्ड की बुक है, SSC बोर्ड है। बुक का नाम है कुमार भारती और लेसन का नाम है प्लीज़ लिसन और राइटर अननोन है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लिसन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में लिख रहे हैं प्लीज़ लिसन। इसका मतलब ये हुआ कि राइटर अपनी किसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोग उसको लेट गो करते हैं कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो बता रहे बताने दो, उसको केयर नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। इस वजह से वो थोड़ा फोर्सिवली ये बात कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए, उसको लेट गो मत करिए, उसको आप यूं ही मत सोचिए कि मैं आपको यूं ही बातें कर रहा हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर है। चलिए शुरू करते हैं। राइटर कहता है प्लीज़ लिसन, और ये तीन लाइन पहले, When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. मतलब क्या कहता है कि राइटर बोला है, When I ask you to listen to me, जब कभी भी मैं ये कोशिश करता हूँ कहने की कि आप मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि आप मुझे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, फ्री की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, और जो कुछ मैं आपसे बोला, जो मैंने आपसे कहा, आपने उस पर अटेंशन नहीं दी और आपने वो किया नहीं जैसा मैंने चाहा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही करता हूँ, और यह हर किसी की तमन्ना होती है कि अगर कोई बात सही है तो उस पर सामने वाला चाहता है कि आप मेरी बात को पहले सुनिए और सुनने के बाद जो कुछ आपको बताना है वो बताइए। अगर दोनों लोग बोलते रहते हैं तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्लीज़ लिसन, सुनिए ज़रूर। नेक्स्ट चार लाइन, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई I shouldn't feel that way. You are trampling on my feelings. आगे राइटर कहता है कि when I ask you to listen to me, जब मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ आपको कुछ समझाने की, कुछ बताने की, तो आप मुझे सुनते नहीं हैं, बल्कि उसका मुझे आप खुद सवाल एक ये करते हैं कि why, क्यों should I listen to you, हम आपको क्यों सुने। आप बोलना शुरू कर देते हैं, आप मेरी बात को लेट गो करना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सुनिए ज़रूर। आई शुड नॉट फील दैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स। आगे राइटर कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात को सुनना भी नहीं चाहते हैं और जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, उसको आप लेट गो करते हैं और उसको कुचलना चाहते हैं, यानी कि आप मुझे डिप्रेशन में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी किसी भी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, बल्कि मुझे उसका रिएक्शन ही मिलता है। आगे कहते हैं, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू हैव फेल्ड मी, Strange as that may seem। देखिए, राइटर फिर उसी चीज़ पे फोर्स कर रहा है कि आप मेरी बात को सुनिए, ज़रूर सुनिए। When I ask you to listen to me, जब कभी भी मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सुनिए, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप सब लोग क्या करते हैं कि आप इस तरह से फील करते हैं कि जैसे मेरे सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में
सक्सेस नहीं हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, बल्कि मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। ऐसा जबकि कुछ नहीं है, मैं आपसे किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मेरी फीलिंग है उसके लिए आप कुछ कीजिए, लेकिन आप मुझे सुनिए। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अजनबी लोग जैसे होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह मुझे लेट गो किया जाता है, मेरी किसी बात को सुना नहीं जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, राइटर कहता है, लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। फिर वो कहता है राइटर, लिसन, सुनिए, अरे मुझे थोड़ा सा तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आप बातें मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए, लेकिन मेरी बात प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सुनिए ज़रूर। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी राइटर की यही है कि उसकी किसी बात को भी ध्यान से सुना नहीं जाता है। आगे कहते हैं, एडवाइस इज चीप, 20 सेंट्स विल गेट यू बोथ डियर अबे एंड बेली ग्राम इन द सेम न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पर राइटर एक न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, और न्यूज़पेपर में उस न्यूज़पेपर की बात कर रहा है जिस पेपर के अंदर कुछ कॉलम्स आते हैं, कुछ ऐड आती हैं, जिसमें एडवाइस की जाती है कि आप अगर प्रॉब्लम में हैं तो आप इस तरह का काम कीजिए, अगर आप बीमार हैं तो आप ये दवाई लीजिए, तो वो एडवाइस होती है। तो पेपर जो लेता है वो, जब वो एडवाइस पढ़ता है, बिल्कुल फ्री में होती है, वो भले ही ऐड देने वाला पेमेंट करता है, लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल फ्री में एडवाइस सब मिल जाती है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है, एडवाइस इज चीप, 20 सेंट्स विल गेट, ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ ये इतनी सस्ती है जैसे आप 20 पैसे में इसको ख़रीद लोगे। जैसे आप पेपर जो आप ख़रीदते हैं, पेपर में आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, सब फ्री मिलती हैं। क्या होता है, आप 1 या 2 रुपये में पेपर ख़रीदते हैं और आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाती है। तो ये आप मेरी बातों को ऐसे पॉटेंसी दे रहे हैं, इस तरह से आप इसको देख रहे हैं जैसे एबी एंड बिली ग्राम जो पेपर में न्यूज़ देते हैं, एजेंट जो होते हैं ना, वो न्यूज़ देते हैं, तो वो एजेंट जैसे न्यूज़ देते हैं या वो जो ऐड देते हैं और आपको फ्री मिल जाती है। इस तरह से आप मेरी बातों को सुनते हैं कि 20 पैसे में आपकी एडवाइस हमें मिल जाती है, मेरी एडवाइस इतनी सस्ती नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए ज़रूर। आगे राइटर कहता है, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। देखिए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जो मजबूर समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल वर्ड्स यानी इंसानियत से भी बिल्कुल परे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बहुत घिनौने अंदाज में इसको देखते हैं, मुझे डिस्करेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एटलीस्ट मुझे सुनिए ध्यान से, और मैं आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आगे राइटर कहता है कि when you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो अगर वो मुझे देता है और वो चीज़ ऑलरेडी अगर मेरे पास में है तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो राइटर यहाँ पर फिर कह रहा है कि आप मेरी बात को सुनिए, जब आप मेरे साथ कोई ऐसी हमदर्दी करते हैं, और वही आप हमदर्दी करते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो उस हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है।
यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इन एडिकेसी। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई डर नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और आप मेरे साथ वो काम तो बिल्कुल मत कीजिए जिसकी बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि राइटर आपसे वही एक्सपेक्ट करता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन लोग करते क्या है कि जो चीज़ है वही चीज़ देना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर वो चीज़ हम देंगे तो वो लेगा नहीं, और कहने को भी हो जाएगा कि हमने वो चीज़ दी लेकिन उसने ली नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज ए सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील नो मैटर हाउ इरेशनल, हाउ इरेशनल कहते हैं। लेकिन जब हम कोई बहुत ही सिंपल चीज़, सिंपल फैक्ट के बारे में जानते हैं और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें फील होता है कि हाँ जो चीज़ हमारे पास है बहुत अच्छी है, नो मैटर हाउ इरेशनल। और जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ अगर हमारे पास है तो हमें उसे लेके कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि लेकिन आप भी वही चीज़ मेरे साथ करते हैं जो बहुत सिंपल होती है, और जो चीज़ मेरे पास होती है और मैं उस चीज़ को फील भी करता हूँ, चाहता भी हूँ, लेकिन हाउ इरेशनल, वो किस तरह से मैं उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास में है। नेक्स्ट कहते हैं देन, सॉरी, एंड व्हेन दैट इज क्लियर द आंसर आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। नहीं, आगे की चार लाइन में थोड़ा सा छोड़ दिया, उसको देखिए फिर से। देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। यहाँ कह रहा है तब क्या होता है, आप मेरी बात को एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, कि आप ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कन्विंस करने की कि आप ये काम कर लो, ये जॉब कर लो, या किसी भी चीज़ के लिए आप एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग क्या है, उस चीज़ को आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जितनी एडवाइस है वो मेरे ऊपर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर राइटर कहता है लिसन प्लीज़, आप मेरी बात को सुनिए, आप अपनी मर्जी, अपनी कोई ज़िम्मेदारी, अपनी कोई चाहत मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपिए मत, मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मत डालिए। बस ये कोशिश कीजिए कि मेरी फीलिंग क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप मुझे गाइड कीजिए। तो आप मुझे सुनेंगे तभी आप मेरी फीलिंग को समझेंगे, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आगे कहता है राइटर एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। फिर वही चीज़ कह रहा है राइटर, और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ आप मुझे जवाब दे रहे हैं मुझे उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी सलूशन जो हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास में हैं जो आप मुझे दे रहे हैं। तो ज़बरदस्ती की एडवाइस अगर आप मुझे दे रहे हैं तो इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट बेटर फॉर मी, आप पहले मेरी पूरी बात को सुनिए और उसके बाद ही आप मुझे कोई उसका सॉल्यूशन दीजिए। आगे कहते हैं इरेशनल फीलिंग मेक्स सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट बिहाइंड देम। जो इरेशनल फीलिंग होती है ना, उससे एक सेंस निकल के आता है, और उस सेंस के ज़रिए से हमें ये समझ में आ जाता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये क्या हमसे उम्मीद करता है। तो एटलीस्ट हमारी फीलिंग को आप पूरी तरह पहले समझिए, फिर उससे जो सेंस निकल के आता है, जब आप हमें पूरा समझ लेंगे तो जो सेंस निकल के आएगा तो आपकी समझ में ये बात पूरी आ जाएगी कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम क्या आपसे चाहते हैं। इसलिए फिर राइटर कह रहा है कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए।
आगे कहते हैं परहैप्स दैट्स व्हाई प्रेयर्स वर्क्स समटाइम्स फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज म्यूट एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स। देखिए भगवान जो है, गॉड जो है, अल्लाह जो है, वो हर जगह है और वो हर किसी की बात सुनता है, हर किसी की बात सुनता है और वो आपको सपोर्ट भी करता है, लेकिन एक अपना फेथ होता है। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है शायद मेरी जो प्रेयर है, जो मेरी इबादत है, कभी कभी भगवान को पसंद आ जाती है और वो मुझे इसका रिजल्ट देता है, लेकिन भगवान कभी बोलता नहीं है, वो हमेशा खामोश रहता है, सुनता सबकी है, बोल के कभी ये नहीं कहता कि आप ये करो या ये मत करो, और न कभी कोई एडवाइस करता है, न कोई टाइम उसका कोई फिक्स है, न कोई इसकी कोई चीज़ फिक्स है कि आप यहाँ बैठोगे तो ये काम होगा, वहाँ जाओगे तो ये काम होगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ अच्छा करो और भगवान जो खामोश है वो आपकी भरपूर हेल्प करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आप भगवान से जो भी बात कर रहे हैं आप उससे प्रेयर कीजिए, वो आपको सुनता है, बोलता कभी नहीं है और आपकी हेल्प भी करता है। आगे कहते हैं गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ। भगवान सुनता है एंड काम भी आपसे करवाता है और वो काम जो भी होता है वो सिर्फ आपके लिए ही होता है। इसलिए आप भगवान को हमेशा याद रखिए, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन ये राइटर बता रहा है, जब ये बताता है तो लोग उसको सुनते नहीं हैं, उसको इधर उधर हवा में उड़ा देते हैं कि हाँ कह रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान जो कुछ राइटर कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। राइटर कहता है गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ। वो सुनता है, तुमसे काम भी करवाता है, तुम्हारे लिए काम करवाता है और जो कुछ करता है अच्छा करता है। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। फिर राइटर कहता है इसलिए प्लीज़ मुझे सुनिए, ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। लास्ट टू लाइन्स एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक वेट ए मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। अब राइटर ने थोड़ा सा बात को अपना बदला और कहता है कि और अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, वेट ए मिनट, थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब आपका टर्न आएगा, जब आपके आपका वक्त आएगा, फिर मैं आपको भी सुनूंगा, भरपूर सुनूंगा और जो भी आपकी बात होगी उस पर अमल भी करूंगा। तो राइटर यहाँ पर कहता है पहले आप मेरी बात को पूरा सुनिए और जब आपका टर्न आएगा तब आप मुझसे जो कहेंगे मैं उसको मानूंगा, बहुत ध्यान से सुनूंगा। तो ये राइटर ने एक वर्ड में पूरी पोइम समा दी और उस पोइम का नाम प्लीज़ लिसन, ध्यान से सुनिए। और आप भी ध्यान रखिए कि आप किसी भी बात को पहले ध्यान से सुनिए, कोई उस पर आप रिएक्शन मत दीजिए और सुनने के बाद ही आप कोई बाद में उस पर एक्शन लीजिए, राइट। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था प्लीज़ लिसन। अगर आपको ये पूरा समझ में आया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट तो मैं हर किसी चैप्टर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट आप मुझे ज़रूर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं डेली लेसन देता हूँ, डेली आपको लेसन मिलेगा और बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।